होम कुकिंग विद शेट्टी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चोको चिप आइसक्रीम। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट। यहाँ पे इसे डबल बॉयलर मेथड से मैं यहाँ पे मेल्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे प्लेस करके रखा है। इसे हम कम्प्लीटली मेल्ट होने देंगे, इसे छोटे पीसेस में कट करके ले या ग्रेट करके ले ताकि मेल्टिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए। चॉकलेट अब पूरी तरह से यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पे गैस हम ऑफ करके देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप बॉर्नविटा जो होता है अपने घर पे, मोस्टली बॉर्नविटा या माइलो जो भी चॉकलेट बेस्ड ये मिल्क पाउडर है, मिल्क में मिक्स करने वाला जो पाउडर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम हमारे मेल्टेड डार्क चॉकलेट में इस तरह से ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 200 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पे मैंने अमूल का मिल्क मिठाई का इस्तेमाल किया है। आप इसे इसमें डाल ले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। सो हमारा ये आइसक्रीम का जो बेस है वो हो चुका है बनके अब रेडी। अब आइसक्रीम के प्रोसेस में आगे चलते हैं। मैंने एक बोल को और जो हमारी मेरे पास जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है उसके जो विस्कर्स है उसे फ्रीज़ कर दिया था। इसे फ्रीज़र में लगभग आधे से एक घंटे के लिए रख ले। अब इस फ्रोज़न बोल में हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने अमूल क्रीम, फ्रेश क्रीम जो है 200 ml का टेट्रा पैक उसका यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैंने पूरी तरह से चिल कर लिया था। अब इस क्रीम को हम अच्छे से विस्क करके लेंगे। अभी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, देखिए इस तरह से ये थोड़ा स्टिफ बन गया है। अब हम इसमें हमारा ये जो बना हुआ चॉकलेट बेस है उसे इसमें डालेंगे। अभी इसे हम हमारे क्रीम में मिला देंगे। हमें इसे अब अच्छी तरह से क्रीम में मिला के लेना है। और वापस से हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। भी अच्छे से बन के हो गया है रेडी, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें अब हम कुछ चोको चिप्स, इजीली मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसे फाइनली एक बार मिक्स करेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे एक ट्रे लिया है, इसमें अब हम इसे पोर करके लेंगे।
अब इसमें हमने इसे सेट करने रख दिया है। इसके ऊपर से और थोड़ा सा चोको चिप्स स्प्रिंकल कर सकते हैं आप। इसे अब मैं सिल्वर फॉइल से इस तरह से कवर करके ले रही हूँ। इस तरह से इसे सील कर लीजिए। अब इसे हम फ्रीज करेंगे लगभग 6 से 8 घंटों के लिए। ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दीजिएगा और फिर ये सेट हो जाए। हमने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में फ्रीज कर लिया था। ये बहुत अच्छी तरह से अब सेट हो चुका है। देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है। देखिए देखिए कितना क्रीमी और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का हमारा चोको चिप आइसक्रीम बन के हो चुका है रेडी। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली के साथ इस समर बहुत एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने जस्ट खा के देखा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई करके हमें बताइएगा कि आइसक्रीम कैसी बनी, और इस रेसिपी को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।